आजम के फिर हमारे साथ हैं। बाबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा हमें बताएं कि बाबर कैसी प्रिपरेशन है सेकंड टेस्ट मैच की, और सीरीज 2-0 से जीतने के लिए कितनी आपकी तैयारी है, और फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे। जी बाबर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सबको। बिल्कुल जी, प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रही है। 3 दिन काफ़ी अच्छा नेट हुए हैं, फील्डिंग हुई है, बॉलर्स ने बॉलिंग की है, तो काफ़ी अच्छे टच में लग रहे हैं, क्योंकि हम जो पहला मैच जीते हैं उससे कॉन्फिडेंस आया टीम में बहुत ज़्यादा, और लड़कों में भी कॉन्फिडेंस आया। तो हम यही सोच रहे हैं कि जैसे हमने पिछला मैच खेला, ये मैच भी वैसा ही खेलना है, और हम उन उस टीम को ईजी नहीं ले सकते, क्योंकि वो पता है कि वो बाउंस बैक कर सकती है, तो उसके लिए भी रेडी हैं। और बाकी मेरे ख्याल से विकेट सिमिलर लग रही है कराची से, और बस यहाँ का ये है कि वेदर और कंडीशंस की है, तो वो इंशाल्लाह हम कल आके देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे। जी थैंक यू बाबर। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। मोहित शाह, खालिद खान, रशीद शकूर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर, आप माशाल्लाह पहले ही टेस्ट में आप एज अ कैप्टन सक्सेसफुल रहे, तो कैसा फील करते हैं, कप्तानी कैसा एंजॉय करते हैं, और आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा प्रेशर होता है टेस्ट में, या वो जो नॉर्मल एक टॉप का प्लेयर होता है वो नॉर्मल गेम कप्तानी के प्रेशर में भी खेल सकता है? थैंक यू। नहीं, मैंने तो काफ़ी इंजॉय किया है, लड़कों ने काफ़ी सपोर्ट किया, आपके सामने देखें फाइट बैक किया हमने, और थ्रू आउट द मैच हमने किसी भी टाइम इजी नहीं हुए, और लड़कों ने काफ़ी अच्छी सपोर्ट दी है। देखें, जब आपको टीम सपोर्ट करती है, लड़के सपोर्ट करते हैं, जो प्लान दिया उस पर वो चीज़ यूटिलाइज करते हैं, तो आपके लिए एज अ कप्तान वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने इंजॉय किया, पहला टेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह ने जिताया, और मजीद उसी फोकस से, उसी प्लान और जो भी प्लान हमने इस बारी किया है उसी पे जाएंगे, और इंशाल्लाह आपके सामने रिजल्ट रिजल्ट अपने हक में लाएंगे। जी खालिद भाई, जोजी भाई एंड देन रशीद शकूर प्लीज। बाबर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि पिच ऐसी लग रही है जैसे कराची वाली पिच है, लेकिन जो ओवरऑल हम कंडीशन देख रहे हैं, बादल भी हैं, हवा में ठंड भी है, तो डू यू थिंक कि आप लोग खिलाने का सोच रहे हैं? बाबर मेरी आवाज नहीं आई। जी जी ब्रेक हुई थी, मैं आपका सवाल आ गया मेरे पास। बिल्कुल, देखें यहाँ पे विकेट मैंने आपको जिक्र किया कि कराची से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ की कंडीशन इंडिया में हमेशा डिफरेंट होती है। ओवरकास्ट, कभी क्लाउड हो जाता है, थोड़ा सा सूरज कम निकलता है, तो वो मेरे ख्याल से हेल्प करता है, लेकिन वो भी हमारे जेन में है, और अभी भी देखें आप, देखें क्लाउडी है, और मेरे ख्याल से हमने जो प्लान किया कि हम फाइनलाइज जो सुबह आके देखेंगे क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशंस है, क्या वेदर है, तो उस हिसाब से हम फिर डिसाइड करेंगे। जी जोजी भाई एंड देन शुक्र भाई। वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम। बाबर जैसा आपने कहा कि अभी कंडीशंस आपने देखी हैं और विकेट भी आपने देखा है, तो आपको लगता है कि इस विकेट पे चार सीमर्स खेल सकते हैं? देखें, मेरे ख्याल से चार सीमर तो नहीं खेल सकते, लेकिन पॉसिबल है। हमने आगे जो मैचेस के डेज हैं उसमें हमने नजर रखना होता है, तो उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। आज देखेंगे कि क्या वेदर अगले 5 दिन में क्या सूरतेहाल होगी, क्या कंडीशंस होंगी, तो वो भी हम उसको और उसी हिसाब से प्लान करेंगे। जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, उसी से हम जाएंगे। रजा, मेरा सवाल हो गया है। जी थैंक यू शुभ भाई। जी नेक्स्ट है जिशान, मारिया एंड एतशा, सॉरी आरफा। अस्सलाम वालेकुम बाबर। बाबर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही टेस्ट मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें आपने बड़ी एक शानदार 143 रन की इनिंग्स खेली थी। ये टेस्ट क्रिकेट में आपकी इंडिविजुअल भी सबसे बड़ी इनिंग्स थी, और आपकी अभी तक की आखिरी टेस्ट सेंचुरी भी थी। तो पिंडी बॉयज ने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था उस टेस्ट मैच में, क्राउड जो था वो हाउसफुल था स्टेडियम का, तो इस दफा वो पिंडी बॉयज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पिंडी बॉयज को, क्योंकि
क्या उनको दोबारा से आप ऐसा ही गिफ्ट देंगे सेंचुरी बना के, क्योंकि वो स्टेडियम तो नहीं आ सकते लेकिन वो आपको मिस बहुत करेंगे। हाँ बिल्कुल, काफी मिस करेंगे। इंडीज के जो क्राउड है, जो लोग हैं, वो उन्होंने काफी प्यार दिया, और मुझे अभी भी याद है जब मैं यहाँ से ड्रेसिंग रूम से उतर रहा था तो जो चेहरा इंडी वालों ने दिया था, जो क्राउड ने मुझे बैकअप किया था, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी उसके लिए। और जब मैं उतरा और विकेट तक जो मुझे उन्होंने बैक किया, तो वो फीलिंग ही कुछ और थी। उस फीलिंग से आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आपको अपना क्राउड बैक करता है, जब आपको सारे लोग आपका नाम लेते हैं, तो वो अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। उस कॉन्फिडेंस का भी बहुत फायदा होता है, लोगों का जब चेयर अप होता है वो बहुत फायदा होता है, उससे आपको एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस आपको मेडल में काफी हेल्प मिलती है। और मैसेज मेरा ये है कि कीप सपोर्टिंग अस और ऐसे ही हमें बैक करते रहें। अनफॉर्चुनेटली हम आपको देख नहीं सकते, लेकिन आप हमें देख सकते हैं, और जितना हमें सपोर्ट करें, जितना हमें बैक करें, हमारे लिए बेस्ट है। बाबर सलाम अलैकुम। बाबर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी परफॉर्मेंस ने हमें कभी इतना ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, और हमें आदत है कि बाबर आजम अगर एक इनिंग्स में फेल खुदा ना खासा हो जाता है तो अगली इनिंग में वो हमें पता है कि वो बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। न्यूजीलैंड का टूर बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा, आप अनफिट हुए, तो इज बाबर आजम ऑल सेट टू प्ले बिग इनिंग्स इन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखें हर मैच मैं इसी माइंडसेट से खेलता हूं कि लास्ट मैच है मेरे लिए, और वैसे ही मैं फोकस रहता हूँ हर मैच के लिए कि मैंने करना है और मेरी परफॉर्मेंस से टीम को फायदा हो, और टीम जीते, परफॉर्मेंस वो होती है जो जिससे टीम जीते। और बिल्कुल इंतजार लोगों से ये कि बैक करते रहें, ये नहीं कि मुझे, पूरी टीम को बैक करते रहें, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से इंशाल्लाह इस टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी इंशाल्लाह। जी आरफा अब्बास एंड एहतशाम। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज। बाबर भाई आपसे मैं यंगस्टर्स के बारे में पूछना चाहूंगा। ऑब्वियसली आप जो करंट यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो आपके स्क्वाड में जो 20 मेंबर स्क्वाड है, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील दो ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी ऊपर आए हैं रेड बॉल क्रिकेट में। अब्दुल्ला शफीक तो खैर 17 रिकरिंग स्क्वाड में नहीं है, लेकिन सऊद शकील हैं, तो इन दोनों को अगर आप रेड बॉल क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उनको आप किस तरह रेट करते हैं, और अभी तक प्रैक्टिस में उनको आपने क्या सिखाया? जी बिल्कुल, देखें काफ़ी अच्छा अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील हैं। सऊद शकील देखें पिछले डोमेस्टिक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, उनको नॉलेज है फोर डे टेस्ट मैच क्रिकेट की, उनको बारी लेनी आती है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, अब्दुल्ला शफीक साउंड बहुत हैं। तो देखें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में कॉन्फिडेंस का अमल दखल है, तो वो चीज़ उनको बताई जा रही है कि किसी भी जगह पैनिक नहीं होना, अपने आप को जो आपकी गेम है, जो आप करते आए हैं उसी पे रहना, क्योंकि इंटरनेशनल में आपको पता है कि प्रेशर की गेम होती है, गेम तो नॉर्मल बैट और बॉल की होती है, लेकिन जो प्रेशर है ना वो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो ओवरकम करने के लिए उनसे बात की जाती है, प्रैक्टिसेस वैसी कराई जाती है कि क्या प्लान हो सकता है, कि अगर प्लान ए हो सकता है वो प्लान बी क्या होगा, क्या आपके अगेंस्ट बॉलर बॉलिंग कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें उनको बताई जा रही है। जी अब्बास एंड देन एहतशाम। रजा मेरा हो गया क्वेश्चन भाई, थैंक यू। थैंक यू जी एहतशाम एंड देन बाजिफ। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। बाबर पूछना ये था कि आप हमेशा से टीम के लिए एक अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, बड़ी होप होती है, लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता टेस्ट मैच में हमारी टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़ी फ्लॉप हो गई, और एक ही हमारी जो बड़ी इनिंग हमने खेली और वहाँ पे पार्टनरशिप हुई, हम टेस्ट मैच जीत गए। अभी क्या मूड है खिलाड़ियों का, मोराल कैसा है? देखें ओवरऑल काफी अच्छा मोराल है, काफी कॉन्फिडेंस है। देखें बिल्कुल वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी अर्ली ऑन विकेटें गिर गई थी, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ मैं फवाद आलम को और अजहर अली को, जैसे उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की और पार्टनरशिप लगाई। देखें जब बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं तो प्रेशर आता है, लेकिन जो सीनियर्स हैं जिस तरह अजहर भाई हो गए, फवाद आलम, एक्सपीरियंस उन्होंने शो करवाया कि कैसे टीम को निकाला जाता है। देखें ये जो उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, इतना उन्होंने परफॉर्मेंसेस की है, तो उनको नॉलेज है कि किस टाइम हमने टीम को निकालना है, किस टाइम हमने कैसे खेलना है, तो उससे हम जो मेरे ख्याल से हमें सीखना चाहिए
के जो यंगस्टर हैं उनको सीखना चाहिए कि यार उस स्टेज पे उन्होंने कैसा खेला, क्या वो उनका प्लान था और किस तरह से उन्होंने बॉलर को टैकल किया, तो ये चीजें सीखने वाली हैं बिल्कुल। और नेक्स्ट टेस्ट मैच में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस है हम के अच्छी परफॉर्मेंस करें और टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करके। जी बाज़िफ नुमान। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर, बाज़िफ जब्बार cricket.pk से। बाबर ट्रेनिंग वीडियोस में हमने देखा कि आप हमें थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हुए नजर आए, तो ये हो सकता है कि आप एक सपोर्टिंग स्पिनर का रोल प्ले करें और नीचे हम एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सके पिंडी की कंडीशंस में? नहीं सर, जैसे बॉलिंग तो शौक है लेकिन जैसे वैसे ही बॉलिंग कर रहा था बैट्समैन को, क्योंकि अपने आप को इन्वॉल्व रखता हूँ मैं हर चीज में, कभी कहीं बिजी रहता हूँ कभी कहीं बिजी रहता हूँ, तो मुझे खड़ा रहने का शौक नहीं है और बस वो पार्ट टाइम बॉलिंग कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर बॉलर हूँ, थोड़ा सा हाथ का भी मसला है, तो एंजॉय कर रहा था, थोड़ा सा मैच डला था बैट्समैन की नमाज के साथ, तो बस जैसे उसकी उसी तरह मैं बॉलिंग कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने ग्राउंड का भी बता दिया, विकेट भी बता दी, टीम कॉम्बिनेशन भी बता दिया, आपसे अपने मुतल्लिक मैं सवाल करता हूँ कि पिछले एक से डेढ़ साल के अंदर बाबर आजम एज अ प्लेयर से एज अ कैप्टन जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपके कॉन्फिडेंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपका ओवरऑल बिहेवियर में, इसके पीछे इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट आप किसको देंगे? इज इट बिकॉज ऑफ द PCB's मैनेजमेंट या आपका अपना इसके अंदर बहुत बड़ा अमल दखल था, क्या कहेंगे इस एक्सपोजर और इस चेंज के बारे में? सर देखिए, मेरे ख्याल से मैं क्रेडिट दूंगा अपने हार्डवर्क को, और जितना मैंने हार्डवर्क किया, जितना मैंने चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, परफॉर्मेंसेस दी हैं, मुश्किल कंडीशंस में कैसे खेलना है ये सीखा है मैंने, प्लेयरों से बात करके सीखा है। देखें एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कंसिस्टेंट खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं, ये नहीं कि आप एक परफॉर्मेंस के साथ रिलैक्स हो जाएं। लेकिन मैं ये नहीं करता था, मैं हमेशा ये देखता था कि जो परफॉर्मेंस गुजर गई है उसमें मैं मजीद अच्छा क्या कर सकता था, मैंने क्या गलती की है और मजीद आगे मैं क्या अच्छा कर सकता था। गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि आप किस गोल से और किस माइंड सेट से जाते हैं, तो आप छोटे छोटे गोलों को अचीव करें तो एक अच्छा आप उसको कैरी कर लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने इतना अच्छा एज अ प्लेयर कैरियर किया था, और अब एज अ कप्तान इससे काफी कॉन्फिडेंस मिला, आपको नई चीजें आई, आपने प्लेयर्स को कैसे हैंडल करना है और बाकी चीजें आपने कैसे हैंडल करनी है, उससे आपको मेरे ख्याल से मुझे बैटिंग में भी काफी फायदा हुआ, आपको उसमें मेरे ख्याल से माइंड काफी खुलता। ऐसा प्लीज आप क्वेश्चन करेंगे। जी जाहिद साहब, जाहिद ख्वाजा साहब प्लीज। आई थिंक आवाज का इशू। जी थैंक यू वेरी मच जी, आपका क्वेश्चन हो चुका है। ओके थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन करने का। साथ आपका, आप प्लीज कर लो प्लीज। बाबर अभी कुछ देर पहले सत्तर अपने स्क्वाड का ऐलान हुआ और आपसे भी एक सवाल हुआ था पहले के, उसके जवाब में आपने कहा कि ये विकेट चार सीमेंस वाला नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि आपने इशारा दे दिया कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन था कराची वाला वो बरकरार रहेगा? देखें बिल्कुल हम भी ऐसा देख रहे हैं, लेकिन फिर वही बात करूंगा कंडीशंस, यू नेवर नो सुबह क्या कंडीशंस होगी, मे बी अभी भी क्लाउडी।